जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि आज हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? अगर कोई भी रैशनल नंबर्स दी हुई है, अगर ये पी अपान क्यू क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ओके, तो रेशनल, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू इज पी अपान क्यू। ये इस नोटेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअल वैल्यू होगी क्या, इससे अगर वैल्यू अगर दी हुई है कोई भी, सच दैट इफ पी अपान क्यू इज इक्वल टू टू अपान थ्री। ओके, अगर टू अपान थ्री क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3, इसको क्या लिखेंगे हम, वी कैन राइट डाउन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 इज 2/3। ओके, इज इक्वल टू 2/3। जो भी रेशनल नंबर्स होगी उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस तरीके से लिखी जा सकती। एक दिमाग में आप लोगों के बात और आ रही होगी कि अगर माइनस पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, ओके, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? देन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस पी अपॉन क्यू, देन माइनस पी अपॉन क्यू, ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको रीड क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू मॉड में है, इसको बोलेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ या मॉड ऑफ 2/3। ये इसको हम लोग रीड करेंगे कि अगर इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं उसके बीच में, इस तरीके से पैरेलल लाइंस दी हैं उसके बीच में एक रेशनल नंबर लिखी हुई है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्या, पी अपान क्यू। ओके, तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला हुआ है, आप लोग इसको कंक्लूड करके जो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिख सकते हैं नोट में, नोट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, नोट एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। ओके, कोई भी अगर एनी रेशनल नंबर्स अगर दी है, जैसे जीरो का जीरो हो जाएगी, 1/2, 1/2, माइनस 3/4, माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3/4, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। कोई भी अगर रेशनल नंबर्स दी है, चाहे वो निगेटिव रेशनल नंबर्स हो, चाहे जीरो रेशनल नंबर्स हो, कोई भी है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा नॉन निगेटिव। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर मैं लेकर के आ रहा हूं 4/3, 4/3। ओके,
एक नंबर मैं ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट पे पहुँचेंगे। एक है 4/3 एग्जाम्पल और दूसरी है 2/7। इनको देख करके हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे पहले। जैसे 4/3 हमने लिया, ओके, इस 4/3 को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 3, ओके, यहाँ बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 1 0 ले आएंगे। इतना तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि अगर यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो तो अगर हमें और डिवीजन डेसिमल में उसे कैरी करना है, डेसिमल में उसको अगर हम ले जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से 0 आ जाता है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे भी मैं क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 या 9, ओके, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, फिर डेसिमल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। कहने मतलब ये है, इस तरीके से आता रहेगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे जब भी किसी भी नंबर्स को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है, तो आफ्टर डेसिमल्स क्या है, जो कोशेंट का जो पार्ट होता है वो क्या है, 3 3 3 3, इस तरीके से आता रहता है। यहाँ पर क्या है, ये रिपीट कर रही है, ये क्या है, रिपीट है, ये क्या है, रिपीट है, ओके। इसी रिपीटेड टर्म्स को ही हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ यहाँ, इसको मैं अभी किया हुआ हूँ, अब एक बार इस 2/7 को भी करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, और कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20, और कितने टाइम्स जाएगा, 7 2 14, ओके। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ पे बचेगा 6, ओके, 6 बचेगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं कि ये पोर्शन आ रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 times, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेसिमल 60 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 8 times जाएगा, ये 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब 5 times जाएगा तो कितना होगा, 35 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 50 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 जा 49 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, अब कितने बार जाएगा, 1 times जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 बचा, अब यहाँ पे 30 हो गया, अब 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना, 2 बचेगा, ओके। अब फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा। अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये चीज़ आएगी, इतनी चीज़, ओके, ये आफ्टर दैट फिर से ये रिपीट करता रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 56 times जाएगा, यानी फिर से कितने बार जाएगा, 8 times चला जाएगा। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 8 times जाएगा, फिर से 5 times जाएगा, फिर से 7 times जाएगा, फिर से 1 times जाएगा, और फिर से 4 times जाएगा। कहने मतलब ये चीज़ जो है इतनी फिर से रिपीट करेगी, ये चीज़ फिर से रिपीट करेगी, फिर वही चीज़ें आती रहेंगी। तो ये बार बार क्या है, रिपीट कर रहा है, रिपीट, ठीक। तो जब ये जब बार बार रिपीट करेगा, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था, तो हम लोग इस जो ये रेशनल नंबर है इसको हम लोग बोल सक लिख सकते हैं 0.285714 बार लगा देंगे। अब इसकी जगह पे यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1.3 बार, ओके। ये सारी अगर यहाँ पे रिपीट नहीं करता आफ्टर डेसिमल, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता, रिपीट नहीं करता, जैसे हमने क्या किया, जैसे सपोज कोई ये इस तरीके से आ गया, तो इसमें रिपीट ही नहीं कर रहा, एक बार आने से नहीं, बार बार वो रिपीट करे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीटेड है। जब रिपीटेड होती है रेशनल नंबर, रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, ओके, एक चीज़ याद रखना, आफ्टर डेसिमल रिपीटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, आफ्टर रिपीटेड या रिपीटेड या नॉन टर्मिनेटिंग। इससे इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं कि कौन सी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सी टर्मिनेटिंग है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिखा, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी से टर्मिनेटिंग। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं
जितने भी होंगे मैं कराऊंगा, उसके बाद जो बचे हुए होंगे आप लोग उनको ट्राई कीजिएगा। एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो 60/5 1/100, तो 1/100 से क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना है 65। ओके, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, रखेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, एटलीस्ट 6 टाइम्स तो जाएगा ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 606 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, और कहने का मतलब ये है कि 50 में अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली 44 आना ही आना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डेसिमल लगा ही हुआ है। अब कितने टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। ओके, अब फिर इसके बाद यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 40, यानी 40 में 4 सब्ट्रैक्ट करना ऑब्वियसली 36 आएगा, तो यहाँ से 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब 3 टाइम्स जाएगा, तो जब 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 303। ओके, अब इसमें घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 बचेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब कितने 5 टाइम्स जाएगा, और जब 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 505, यानी 70 में अगर हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जिससे डिवाइड करना शुरू किए थे उतना फिर से आ गया, कहने का मतलब है ये चीज़ रिपीट कर रही है, इसके बाद ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 6435, ये चीज़ फिर से रिपीट करेगी ये चीज़। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.6435, ये बार, दैट मीन्स कि ये जो है ये क्या है, रिपीटेड है। ओके, और रिपीटेड एंड टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, इस चीज़ को याद रखना कि जो रिपीटेड होगा उसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओके, जो रिपीटेड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से नॉन रिपीटेड है, और तो इसको रफ कर देते हैं, नाइन हंड्रेड इसको डिवाइड कर रहे हैं 400 से। ओके, इसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे देखते हैं टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर रिपीटेड है तो नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलेंगे, अगर नॉन रिपीटेड है उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे 400 से डिवाइड कर रहे हैं 923 को। ओके, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 123। ओके, डेसिमल रखेंगे यहाँ पे, 4 2 8, 4 3 12, अगर इसको हम लोग 3 टाइम्स ले जाएंगे, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है ये, अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स तो जाएगा ही। ओके, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ से आ जाएगा 30। ओके, अब जब 30 आ जाएगा तो डेसिमल है, तो ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, तो अब 3 टाइम्स आ गया तो 12 आ गया, यहाँ से 30 कैरी हुआ, अब 30 जब कैरी हुआ तो यहाँ बचा कितना 300 हो गया, अब ये 300 है तो यहाँ से एक ज़ीरो बढ़ेगा, और जब 0 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 7 28 एंड 4 8 30, तो 7 टाइम जाएगा 28। ओके, तो यहाँ से 0 0, यहाँ पे 2 बचेगा, अब कितने टाइम जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, 4 4 16 एंड 4 5 20। ओके, 4 5 20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या है, ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉर्मल है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन इसके आगे हम लोग और देखते हैं, तो इसको हम लोग टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट इसको टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट में तो नहीं, इसे टर्मिनेट भी हम लोग लिख बोल सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट ही नॉन रिपीटेड है, नॉन
रिपीटेड एंड टर्म नॉन रिपीट, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन रिपीटेड है एंड नॉन रिपीटेड है एंड टर्मिनेटिंग है। ओके, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या मिला हमें कि रिमाइंडर जीरो तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उनको ट्राई कीजिएगा। एक है 37 अपॉन 99। ओके, फर्स्ट, सेकंड 67 अपॉन 100। तो इनको, इनमें से आप लोगों को ये बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है एंड कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स कौन सा रिपीटेड है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटेड है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग लेक्चर को आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि नॉन, अभी हम लोगों ने क्या देखा, रेशनल नंबर देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर। ओके,